हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आगे प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2022 के बारे में और जानेंगे इसको फुल डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल देखना चाहते हैं तो आपको टाइप करना है दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब सेलर। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको यूट्यूब पे। तो यहाँ पर देखिए, मैं जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो आपका लेक्चरर वैकेंसी हो, चाहे आपका वो PhD नोटिफिकेशन हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी रिलेटेड हो या आपका साइंटिस्ट पोस्ट हो, तो इन सब से रिलेटेड जो वीडियोज़ को मैं यहाँ पे रेगुलरली जो नोटिफिकेशन को अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका CSIR JRF हो, चाहे आपका ICMR JRF हो, DBT JRF हो, गेट नीट हो, तो यहाँ पे मैं जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और जो जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है उन सबका जो नोटिफिकेशन वो रेगुलरली आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है या इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस में, तो ये अगर आप इस नोटिफिकेशन पे लाइक इस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो वेबसाइट है IAS.ac.in। जैसे आप गूगल पे IAS.ac.in जो है वो टाइप करेंगे तो आपको जो है इस टाइप का इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस का जो नोटिफिकेशन वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है, राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2022 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मैंसन कर रखा है जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए, हम देख लेते हैं इस लाइक समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम को डिटेल में। तो जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस टाइप का जो इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए SRFP 2022 अनाउंसमेंट है। तो सबसे पहले हम अनाउंसमेंट देख लेते हैं। तो जैसे आप अनाउंसमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द थ्री नेशनल साइंस अकेडमी ऑफर सेवरल 2 मंथ समर फेलोशिप ठीक टू इनेबल स्टूडेंट टीचर टू वर्क विद साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद द थ्री अकेडमी ड्यूरिंग 2022। तो यहाँ पे थी आपको मिनिमम जो है वो आपको 2 मंथ का समर फेलोशिप जो है वो दिया जाएगा, ताकि आप अपना जो है रिसर्च कर सकें रेनॉल्ड साइंटिस्ट के अंदर ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लाइक स्टडी कर रहे हैं, चाहे आपका BSc MSc में, या अगर आप जो है टीचिंग कर रहे हैं कहीं पे, तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है रिसर्च एक्सपोजर आपको मिल सकता है विद टॉप रेनॉल्ड साइंटिस्ट के अंदर ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेंट इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट और फैकल्टी हु हैव कंसेंटेड टू गाइड स्टूडेंट और टीचर्स टू वर्क ऑन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट इज डिस्प्लेज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जब भी आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको फिलअप करने के टाइम पे वहाँ पे आपको साइंटिस्ट का नेम्स और फैकल्टी भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो है उस लिस्ट में देख सकते हैं कि आपको जो है क्या इंटरेस्ट आपका है और आप जो है किस फील्ड में जो है आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो अगर सपोज आप जो है कोई भी NC बेस्ड साइंटिस्ट हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का साइंटिस्ट हो, चाहे वो IIT के साइंटिस्ट हो, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर नेम दिया जाएगा और उस नेम के बारे को जैसे ही आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो ये जो साइंटिस्ट की किस फील्ड में काम कर रहा है। तो अगर आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तब आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या उसका जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दे रखी इन्होंने कि आप जो है उस गाइड का नाम जो है वो आप देख सकते हैं या उस साइंटिस्ट का नाम जो है वो आप देख सकते हैं, जो कि लाइक डिस्प्ले रहेगी आपका जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिलअप कर रहे होंगे, तो आप उस नाम को या उस लिस्ट को देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उन्हें चूज कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड स्टूडेंट टीचर फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एफिलेटेड टू UGC AICTE MCE एक्रेडिटेड। तो यहाँ पे देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर दिस फेलोशिप द एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड द एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है, स्कैन कॉपी आपकी मार्कशीट फ्रॉम क्लास 10 टिल द लास्ट एग्जामिनेशन। तो आपको 10th से लेकर अगर आपने MSc कंप्लीट कर लिया है तो, या आप BSc में हैं, या MSc फर्स्ट ईयर में, या BSc सेकेंड ईयर में, तो वहाँ तक ही आपको जो है मार्कशीट भी अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। ये राइटअप आपको देना पड़ेगा 150-250 वर्ड्स का, कि आपको जो है किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो फैकल्टी है साइंटिस्ट चूज कर सकते हैं ठीक है। स्टूडेंट एप्लीकेंट शुड प्रोवाइड अ ईमेल आईडी ऑफ वन ऑफ देयर टीचर फैमिलियर विद देयर वर्क ठीक। तो यहाँ पे आपको एक जो मेल आईडी भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आप किसके अंदर जो है वो काम करना चाहते हैं, या आप जो हैं लाइक किसी साइंटिस्ट किसके साइंटिस्ट के लाइक वर्क से जो है आप जो है इंटरेस्टेड हैं उनके अंदर वर्क करने के लिए ठीक। उसका ईमेल आईडी भी आपको देना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी आप जो है इजिली
किसी पर्टिकुलर, अगर सपोज आप यूनिवर्सिटीज में किसी साइंटिस्ट में अप्लाई कर रहे हैं साइंटिस्ट के, तो उसका नाम दाके या यूनिवर्सिटी में जाके उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी, तो उसके थ्रू जो है आप उसका ईमेल आईडी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ईमेल आईडी मैसेज कर देना है। द एकेडमी विल अप्रोच देम फॉर अ रिकमेंडेशन लेटर इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि रिकमेंडेशन लेटर के लिए इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो अकेडमी विल अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस ईमेल आईडी उसके मीन्स उस पर्टिकुलर टीचर के बारे में आपको यहाँ पे जो है उसकी मेल आईडी देनी है, ठीक है, ताकि जो अकेडमी वाले होंगे आईएएस वाले या जो भी उसका लाइक अकेडमी के लोग होंगे वो उस पर्टिकुलर टीचर को जो है वो अप्रोच करेंगे कि वो आपके लिए जो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो सेंड करें, ठीक है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड वर्क विद असाइंड गाइड फॉर 2 मंथ एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, प्रेफरेबली ड्यूरिंग द समर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको गाइड दिया जाएगा तो आपको उसके अंडर जो है 2 मंथ का जो है आपको वहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं ड्यूरिंग दैट कैलेंडर ईयर, तो ड्यूरिंग द समर, ठीक है। तो समर के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो इंटर्नशिप स्टार्ट होगी वो मोस्टली समर में स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, आप उस टीचर को प्रोवाइड करिए। सपोज अगर आप एमएससी कर रहे हैं जहाँ से, तो वहाँ पे आप जो है लाइक जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं या आपकी जो तो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो आप उनमें से जिससे भी आप लाइक जिसका भी रिसर्च आपको अच्छा लगता है या आप जो फैमिलियर है उस पर्टिकुलर गाइड से जो आपको टीच कर रहा है, तो आप उसका ईमेल आईडी जो है आपको देना कंपलसरी है। तभी जो है आपका जैक जो लाइक जो एकेडमी वाले होंगे वो उस पर्टिकुलर जो टीचर या तुम्हारे साइंटिस्ट हैं उसे अप्रोच करेंगे आपके रिकमेंडेशन लेटर के लिए, ठीक है। तो ये आप जरूर करिएगा कि आप ईमेल आईडी अपने फैमिलियर टीचर का जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 वेबसाइट मेंशन कर रखी है। पहली www.ias.ac.in, दूसरी www.insaeindia.res.in, तीसरी www.nasi.org.in। तो इनमें से आप जाके किसी भी वेबसाइट पे जाके जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन अलॉन्ग विद कॉन्करेंस ऑफ द गाइड विल बी डिस्पैच ऑन फरवरी मार्च 2022। तो आपका आप जो है लास्ट डेट जो है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की वो 30 नवंबर 2021 है, और फरवरी से मार्च के बीच में जो है फरवरी मार्च 2022 के बीच में आपको जो है बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा गाइड दिया गया है या आपको किसके अंडर जो है 2 मंथ का प्रोजेक्ट करना है। द सेलेक्टेड स्टूडेंट टीचर विल प्रोवाइड ए अप्रोप्रिएट राउंड ट्रिप ट्रेन फेयर एंड अ मंथली फेलोशिप टू मेट देयर लिविंग एक्सपेंस एट द प्लेस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे देखिए अच्छी बात यह है कि आपको आने जाने का जो भी किराया वो लाइक रीइंबर्स आप कर सकते हैं, और आपको जो मंथली फेलोशिप भी यहाँ पे आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइक पॉइंट्स जो हमने आपके साथ मैंसन कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि जनरल पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने आपका डिस्कस कर लिया कि आपको जो है कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ 3 वेबसाइट दे रखी है, आप इनमें से किसी वेबसाइट पर जाके जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी है फ्रॉम 10th क्लास 10th इधर लास्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका जो भी मार्कशीट है, और उसका साइज जो 700 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ देख लीजिए, देखिए जो भी है उन्होंने यहाँ पे एस्ट्रिक्स कर रखा है, उसे आप मैंडेटरी आपको फिलअप करना ही करना है। लास्ट डेट 30 नवंबर 2021, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखिए आप अगर इनमें से किसी भी कोर्सेज में आप जो है लाइक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल BS, BSc, BBSc सेकेंड ईयर ओनली, तो यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बी फार्मा थर्ड एंड फोर्थ ईयर ओनली, BE, BTEC, BCS सेकेंड एंड थर्ड ईयर ओनली, MS, MSc, MSc, MPhar फर्स्ट ईयर ओनली। तो ये सब चीज़ें आप जरूर देख लीजिए। अगर आप MSc सेकेंड ईयर में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर MSc फर्स्ट ईयर में तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और तभी इसी के बाद ही आप उसके लिए अप्लाई करिए, ठीक है। टीचर्स के लिए कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन कोर्स सब्जेक्ट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन विच एवर ईयर्स कंप्लीटेड सो इट बी 65%, ठीक है। PhD स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल, एप्लीकेंट हुए वेल रैंक द एकेडमिक फेलोशिप ट्वाइस बिफोर आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। जिसने ऑलरेडी 2 बार लाइक फेलोशिप ले लिए तो वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। कंटेंट एप्लीकेशन शुड इंक्लूड अ राइटअप, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 150-250 वर्ड का आपको जो राइटअप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या सीखना चाहते हैं और आप उस फेलोशिप को लेके जो है टू अचीव थ्रो दिस फेलोशिप, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं एट द स्पेसिफिक एज ऑफ एप्लीकेंट इंडिकेट व्हाट ही वुड लाइक टू लर्न एंड अचीव थ्रो दिस फेलोशिप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइटअप जो है लिखना पड़ेगा 150 से 250 वर्ड। तो राइटअप आप कोई भी कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आप अपना खुद का जिस जो चीज़ का आपको रिसर्च में एक्सपीरियंस या जिस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस जिस फील्ड में, तो आप उससे रिलेटेड जो है लाइक राइटअप लिख सकते हैं। तो राइटअप लिखने के लिए आप रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ताकि उससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसमें में आप जो है इसके लिए पढ़ सकते हैं। इनक्लोजर्स में आपका बोर्ड स्टूडेंट टीचर एप्लीकेंट मस्ट अपलोड स्कैन वर्जन ऑफ मार्क्सशीट, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, टीचर एप्लीकेशन शुड अपलोड एप्लीकेशन इफ एनी। तो अगर आप टीचर हैं आपके एप्लीकेशन, तो आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप अपलोड कर सकते हैं अपने पब्लिकेशन भी इफ एनी। ऑन सिलेक्शन एंड ऑथोराइजेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एचओडी दैट नेसेसरी परमिशन लीव ऑप्शन विल बी ग्रांटेड शुड बी सेंड बाई पोस्ट टू कोऑर्डिनेटर SRP इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक ऑथोराइजेशन लेटर आपको लेना पड़ेगा आपके प्रिंसिपल एचओडी से कि आप जो है इस ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर मैटर्स में इन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है कि भाई जो अगर डिसीजन जो भी लिया जाएगा, जो भी आपको गाइड दिया जाएगा, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट थे। अब देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिले क्लिक किया तो रजिस्टर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्लिक किया तो रजिस्टर पे, तो आपको इस टाइप का जो नोट लाइक जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2022 साइंस एकेडमी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट टीचर। तो यहाँ पे आप कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, सपोज आप स्टूडेंट तो स्टूडेंट सेलेक्ट करिए आप। फिर उसके बाद ब्रॉड एरिया आपका इंटरेस्ट क्या है, टिक वन, तो आप अगर लाइफ साइंसेज में करना चाहते हैं लाइफ साइंस में क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द सब एरिया अंडर लाइफ साइंस। आप लाइफ साइंस में बहुत सब्जेक्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्लांट साइंस में करना चाहते हैं तो प्लांट साइंस में करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर आपको इस टाइप का जो है फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको इनिशियल फर्स्ट नंबर देना है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपका लास्ट नेम देना है। ठीक है, जेंडर, ईमेल, टेलीफोन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, 10th 12th, ग्रेजुएशन का आपका डिटेल अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, पीजी का डिटेल्स अगर सेमेस्टर वाइज है, इंटीग्रेट पीएचडी है या करेंटली आप स्टडिंग क्या कर रहे हैं, और उसका इंस्टीट्यूट का नाम, प्लेस, तो इसमें मैं आपको पूरी डिटेल जो है यहाँ पे आपको भरनी है। ठीक है, ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग फैनी, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके तो आप वो भी मेंशन कर रखें। हैव यू अप्लाई प्रीवियसली टू अकेडमी फेलोशिप, इफ यस मेंशन ये रजिस्टर। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम 2 बार ही आप इस फेलोशिप को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने पूरी क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। बहुत ही लाइक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आपको यहाँ पे रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा, और साथ ही साथ जो है आपको लाइक के जो टॉप रेटेड या टॉप रेनोड जो भी साइंटिस्ट है उसके अंदर काम करने का मौका मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।